सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले वसल्लम देखने वालों को सुनने वालों को जिन लोगों ने अभी हमारी ट्रांसमिशन को ज्वाइन किया है एटीवी और ए प्लस पर आप देख रहे हैं रमजान इश्क है लाइव नमाज असर तक की जा रही है और अब हम चलते हैं ख्वातीन हज़रात आप लोगों को सबसे पहले बता चलूँ कि आज की ट्रांसमिशन 10 बजे तक रहेगी और 10 बजे के बाद अफ्तारी के बाद हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह जीत प्लस की तरफ और डॉक्टर उमर अहील इस वक्त हमारे साथ हैं तलोई किचन में अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब माशाल्लाह माशाल्लाह वैसे आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं अल्लाह आपको नजर बद से बचाए और इस वक्त मैं साथ साथ बता दूँ तलो सेहतमंद जिंदगी का दूसरा नाम जो अब मिल रहा है एक नए अंदाज और मुनफरिद पैकेजिंग में सर्फ एक्सल मुश्किल दागों की 100% सफाई वो भी तेज कनौर इस रमजान अफ्तार में हर रोज बनाए स्पेशल विद कनौर लेमन मैक्स लिक्विड 100% ग्रीस रिमूवल सख्त से सख्त चिकनाई को तेज और आसानी से काटता है और साथ साथ नेस्ले का मिल्क पैक हमारी दो बहनें जो कर्शी जामे शीरी के किचन में आज मुकाबला कर रही हैं आलू के पराठे बनाने का और ये हैं अनानास और अनम गुल जो आलू के पराठे बना रही हैं और कौन खाएगा आलू के पराठे आप लोग में से कौन खाएगा आलू के पराठे इतने तो काफ़ी नहीं होंगे ज़रा ज़्यादा ही बना लीजिएगा वैसे ऑल द वेरी बेस्ट आप दोनों को अच्छा अच्छा बनाएं और बहुत सारे इनाम ले जाएं आपको मिलेगा विनस की तरफ से वॉशिंग मशीन हायर की तरफ से टोस्टर इनवेक्स पावर की तरफ से पेडेस्टल फैन और कर्शी जामे शीरी की तरफ से हैम्पर सेकंड रनर अप जो सेकंड नंबर पर आएंगी उनको मिलेगा अलवाहिद की तरफ से पेडेस्टल फैन सुरमा वाला की तरफ से आयरन और कर्शी जामे शीरी की तरफ से हैम्पर तो आप दोनों को ऑल द वेरी बेस्ट बहुत अच्छे से आलू के पराठे बनाएं और भी फरमाइश आई है कि चटनी भी बनाएं साथ में अब मुझे नहीं पता आप चटनी बना रहे हैं नहीं बना रहे लेकिन आलू के पराठे अच्छे बनाइएगा गुड लक खजा डॉक्टर साहबा के पास चलते हैं डॉक्टर साहिबा आज क्या कर रही हैं ये मैं उनसे चल के पूछती हूँ और मेरी ड्यूटी फिर लग गई है पकौड़े बनाने की मेरी शक्ल पे टैटू अल्लाह कितनी क्यूट आपने ये क्या बनाया है आपने फ्रूट चाट को थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है फ्रूट चाट तो मिक्स कर दिया नजर तो आनी रही है मैं उधर बना रही हूं हां मतलब इसको रखो इसमें हां बिल्कुल बिल्कुल तैयार है और इनके फायदे अलग अलग टेबल ले आना बेटा वहां से ब्राउन वाली उठवा के जल्दी से ले आओ छोटी वाली टेबल जो है ले आओ ले आओ ले आओ भाग के ये देखें कितनी क्यूट ऐसा मैं उधर ले जाऊँ जी जी हाँ क्योंकि मुझे आपसे बहुत सारे काम है आज रखो बीच में ये इधर इसके साथ रख दो ये जो है आप इसका अच्छा सा प्यारा सा क्लोजअप भी बना सकते हैं ये डॉक्टर साहब ने फ्रूट चाट को डिफरेंट तरह से दिया है और ये इतना खूबसूरत लग रहा है ये छोटे छोटे ग्लास कहाँ से आए दानिश भाई लाए इनमें अच्छे ग्लास ये मुझे चाहिए मैं लेके जाऊंगा अपनी छात बहुत ही क्यूट लग ले भाई प्यारे प्यारे से अरे डॉक्टर साहब जी मुझे आपसे जो आज बात करनी है वो ये है कि आज आप कुछ शायद मुझे पता चला है कुछ अलग सी थेरेपी और कुछ ट्रीटमेंट्स बताने वाली हैं और ये जो फ्रूट चाट है ये भी उसका हिस्सा है हैं जी दो दिन से जो मैंने सुना है उसका जी 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 उन्हीं का अच्छा आप लोगों को अगर मैं पूछूं मेरी प्यारी बहनों क्योंकि आज मुझे माशाल्लाह तादाद और जो जो पॉपुलेशन है वो खवातीन ज़्यादा लग रही है आज शो में मुझे ये बताइए आपको अपने शौहर की कौन सी बात से सबसे ज़्यादा चिढ़ है मतलब मिर्चें बहुत खाते हैं या ऑयल बहुत खाते हैं अजय नटराज या शॉपिंग पे लेके नहीं जाते हैं शॉपिंग पे लेके नहीं जाते किसको क्या शिकायत है माइक लेके भागो बेटा हर जगह जहाँ जहाँ हाथ नजर आ रहे हैं वहाँ लेकर जाओ बताएं आपके शौहर की किस बात से चिढ़ है जी बेटा जी मेरे शौहर को खाना तो बहुत अच्छे अच्छे पसंद है लेकिन उनको पित्ते में पथरी है जिसकी वजह से उनको डॉक्टर ने ज्यादा ऑयली खाना और चटपटा खाने से मना किया लेकिन वो कहते हैं कि सादा खाना भी बनाओ लेकिन उसमें चटपटा हो थोड़ा सा ऐसा हो तो मैं थोड़े थोड़े से टीवी से देखकर कुछ डॉक्टर साहब की तरकीब देखकर तो मैं उनके लिए खाने बनाती हूँ तो वो अच्छा भी समझते हैं लेकिन एक चीज़ से उनको बहुत चिढ़ है वो कहते हैं कि तुम सब खाने अच्छे बनाने लेती हो लेकिन दाल नहीं बनाती हो और चाय तुम अच्छी नहीं बनाती हो बाकी खाने में अल्लाह का शुक्र है आज भी मैंने बहुत सुना है कि उन्होंने कहा है मुझे तुमने चाय बिल्कुल अच्छी नहीं बनाई मेरी बेटी बहुत अच्छी बनाती है चाय ऐसे मुंह बनाना था किसी खुद ही बना लेता है यही कहते हैं कि तुम्हें चाय नहीं बनाने आती है तुम्हें दाल नहीं बनाने आती और किसको अपने शौहर की कौन सी चीज से चिढ़ जल्दी बताएं जल्दी जल्दी मुझे जी मुझे मेरे शौहर को ना बाहर खाना खाने नहीं लेके जाते नहीं लेके जाते उन्हें पसंद नहीं है बाहर के खाने आपको बता नहीं सकती अभी डॉक्टर साहिबा क्या बताने वाली है आपकी सोच है और किस पे चढ़े जल्दी बता जल्दी बता मैं भी बताऊंगी अभी बताऊंगी मुझे किसी से मेरे तो बहुत सारी चीजें चढ़ा उसकी अस्सलाम वालेकुम आया से बोल रही है मैं खड़ी हो जाए नजर नहीं आ रही यहाँ
جی جی میرے ہسبینڈ جو ہے وہ چنے کی دال بہت کھاتے ہیں, مجھے بہت الرجی ہے اس چیز سے. ان سے الرجی ہے یا چنے کی دال سے؟ چنے کی دال سے نا, باقی تو سارے ہی کھانے ماشاء اللہ وہ اچھے طریقے سے کھاتے ہیں, پسند بھی کرتے ہیں میرے ہاتھ کے, لیکن چنے کی دال مجھے خود کو پسند نہیں ہے, تو ان کی ڈیمانڈ چنے کی دال ہی ہوتی ہے. ویری ویری ویلڈ اینڈ اسٹرانگ پوائنٹ. اور کس کو چڑھے؟ پلیز ذرا جلدی مائک پکڑ. میرے میاں کہتے ہیں کہ تم سلاد نہیں بناتی ہو, اس لیے تم ہے نا کھانا مکمل نہیں ہوتا. آئی اللہ تو دے دیا کرو سلاد, اس میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ لیکن انہیں ہر وقت چاہیے. تو پتے ڈالو, تو کھیرا ڈالو, تو پیاز ڈالو, ٹماٹر ڈالو, ہلا دو, لے لو سلاد. اور کس کو اپنی میاں کی کس بات سے چڑھے؟ اور کس بات سے چڑھے جناب جی بہن؟ مجھے ان کی اس بات سے چڑھے کہ انہیں صبح ناشتے میں پراٹھے لازمی چاہیے ہوتے ہیں. تو صحت سے لگ رہا ہے میرا بھائی, پراٹھے کے بغیر تو گزر نہیں سکتا کہیں ادھر سے. آلو بھرے پراٹھے لازمی چاہیے ہوتے ہیں, فیورٹ پراٹھے ان کے لیے. بہنوں کشی جام شیری کے کچن میں 100% خالص ارکیا سے تیار کردہ, بچانا اپنے آلو کے پراٹھوں پہ اٹیک ہونے سے. اچھا کم سے کم چار پراٹھے لازمی چاہیے. چار پراٹھے تو واہ. امی ساس ہونے بیٹھی ہیں ان سے پوچھنے. اللہ, اور کس کو کہنا ہے اپنے شوہر کے بارے میں بتائیں؟ ہاتھ کھڑا کیجیے تاکہ آپ کو مائک لینے میں آسانی ہو. جی بلیک اینڈ وائٹ بہن کھڑی ہو جائے گا اپنی جگہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. میں ناشتہ بناتی ہوں, میرے ہسبینڈ ناشتہ نہیں کرتے, فوراً آفس چلے آتے ہیں. یہ تو بہت اسٹرانگ. ہاں کیا کریے, دیر سے بناتی ہوں. نہیں میں صبح ہی بناتی ہوں, پر وہ ناشتہ نہیں کرتے, بغیر ناشتے کے چلے آتے ہیں, بھوکے رہتے ہیں زیادہ تر. اچھا ان کو ناشتہ کرنے کا شوق ہی نہیں ہے؟ شوق نہیں ہے ان کو. ماما بیٹھی ہے, وہ بھی کہتی تھی ناشتے کا کھانے کا نہیں کھاتے. ماما کو دے, ماما صحیح کہہ رہی ہے. بہو بچپن سے ناشتہ نہیں کرتے ہیں. آئے تو کیوں نہیں کرایا نہ کان پکڑ کے بچپن سے کیسے کھلاؤں؟ کھاتے نہیں ہیں. تو آپ اما تھی کیوں نہیں کھلایا بچپن سے؟ کھلایا نہیں کھایا, بھائی کیا کروں, اسکول ایسے جائیں, جاب میں ایسے جائیں, سائڈ افیکٹس بتاتی تو کھا لیتے. آج اگر میں آپ لوگوں کو کہوں اور بتاؤں, اور تمام جہاں پر اس وقت یہ عشق رمضان عشق ہے ہمارا دیکھا جا رہا ہے, اگر ڈاکٹر صاحبہ ایک ایسی علاج, ایک ایسی چیز آپ کو بتا دیں جس سے آپ جو کہیں گے وہ آپ کے شوہر کریں گے, تو آپ مانیں کیا کہہ رہے سبھی؟ سارے ہاں سارے شوہر مجھے مانیں گے, آپ وہ مانیں گے. تو یہ کس کس کو جاننا ہے علاج, یہ بتائیں. اچھا اس پہ زیادہ ہارڈ اٹھ رہے ہیں, برائیوں پہ گم اٹھے تھے, یہ میں چیک کر رہی تھی ابھی بھول کے. تو زبردست بات ہونے والی ہے ابھی فوجن صاحب لائیو ہمارے ساتھ رہے گا, رمضان عشق ٹرانسمیشن جاری, ڈاکٹر عمیرہ ہیل کے ساتھ یہ بتائیں گی شوہر کو قابو کیسے کرے. اس وقت کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا, وہ بھی واپس آتے ہیں. سب کے لیے پیغام ہے رمضان عشق ہے, سب کے لیے پیغام.